हां जी, तो क्या यशस्वी जायसवाल इंडिया की ओर रोहित शर्मा की पहली चॉइस नहीं है ओपनिंग के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में? और क्या यशस्वी जायसवाल शुरुआती मैचेस को मिस करते हुए और शुरुआती मैचेस में हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे कि यशस्वी जायसवाल हमें इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर ओपनिंग करते हुए नहीं नजर आएंगे कि यशस्वी जायसवाल हमें इस T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा दिखेंगे और प्लेइंग 11 में वो अपनी जगह नहीं बना पाएंगे? क्या यशस्वी जायसवाल का पत्ता कट चुका है? और क्या यशस्वी जायसवाल अगर ओपनिंग नहीं करेंगे तो कौन होगा T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे ओपनिंग पेयर, मतलब कि रोहित शर्मा के साथ में कौन होगा? के संजू सैमसन करेंगे ओपनिंग, क्या ऋषभ पंत करेंगे या फिर आएंगे विराट कोहली ओपन करने के लिए? और अगर ओपन करने में ये तीनों प्लेयर आते तो क्या ऑलराउंडर हमें तीन देखने को मिलेंगे? हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे को मिलेगा मौका? एक साइड से देखनी होगी। और ये सारे सवाल इससे पहले इतने बड़े नहीं थे, इतने सारे सवाल ये जो खड़े हो रहे हैं जी इतने बड़े नहीं थे इस वार्म अप मैच से पहले, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो मैच हुआ है उससे पहले ये सारे सवाल खड़े नहीं हो रहे थे। लेकिन ये सारे सवाल खड़े अब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब रोहित शर्मा कल टॉस पे आए और टॉस पे जब उन्होंने बोला कि विराट कोहली जो एक दिन पहले ही आए USA न्यूयॉर्क के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मतलब कि एक दिन पहले ही आए तो हम उन्हें एक दिन का रेस्ट देना चाहते हैं, मतलब कि इस मैच के अंदर हम उन्हें रेस्ट देना चाहते हैं और हम उन्हें डायरेक्ट से मतलब कि जो 5 तारीख को आयरलैंड के सामने ग्रुप स्टेज का मुकाबला होगा उसमें उतारेंगे क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा फॉर्म में और वो हर बड़े मैच में मतलब अच्छा परफॉर्म करता है और एकदम टेस्टेड प्लेयर है, उसे बार बार परखने की जरूरत है नहीं। वो एकदम खराब सोना है तो मतलब कि उसे बार बार परखने की जरूरत है नहीं। तो इसलिए रोहित शर्मा ने बोला कि मतलब कि वो एक मैच के लिए अभी रेस्ट पे है, वो उन्हें हम डायरेक्ट मतलब कि एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे, वो एकदम मेन मैच में खेलेंगे, उन्हें वार्म अप मैच की जरूरत है भी नहीं, ठीक है, और वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो भाई ये सारे सवाल अब इसलिए खड़े होने क्योंकि मतलब कि जब इंडिया बैटिंग करने आई फिर तो मतलब कि सबको ऐसा लग रहा था कि देखो यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपन करने आ जाएंगे और अगर विराट कोहली नहीं खेले 3 नंबर पर संजू सैमसन आ जाएगा। लेकिन इंडिया ने एकदम अलग सोचा और भाई साहब यशस्वी जायसवाल इस मैच में ही नहीं थे, मतलब कि ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा के साथ में संजू सैमसन। संजू सैमसन के लिए बड़ा मौका था लेकिन भाई वो इस बड़े मौकों को अपना नहीं पाए, बुना नहीं पाए, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि सिंगल डिजिट नंबर में वो आउट हो गए, मतलब कि जल्दी आउट हो गए। संजू सैमसन के साथ में अधिकतर होता है कि जब भी उनको इंडिया के लिए मौका दिया जाता है, पिछले भी बार मतलब पहले भी बहुत मतलब कि मैचेस में उनको मौका दिया, मतलब कि एक दो मैच में दिया जाता है लेकिन भाई यहाँ देते हैं जब भी, मतलब कि वो उस मौके को अपना नहीं पाते, मतलब कि उस मौके को बड़ा नहीं बना पाते, मतलब कि लंबी इनिंग नहीं खेल पाते और जल्दी आउट हो जाते हैं, उस मैच में कुछ कर नहीं पाते। वो वैसे ही हुआ उनके साथ में वार्म अप मैच के अंदर, जल्दी से आउट हो गए। सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई अगर संजू सैमसन आए तो इंडिया मतलब कि संजू सैमसन के साथ में 5 तारीख को उतरेगी, लेकिन भाई अभी सवाल खड़ा होता क्योंकि संजू सैमसन का मतलब कि जो बैट पे बॉल आ रही थी वो अच्छी तरीके से आ भी नहीं रही थी और मतलब कि जल्दी भी आउट होगा। लेकिन ऋषभ पंत 3 नंबर पर, ऋषभ पंत ने बहुत अच्छी पारी खेली कल, मतलब कि भाई रिटायर्ड हट हुए, मतलब कि उनको बाहर भेजा गया, मतलब कि हाँ भाई वो अच्छा खेले थे और अर्धशतक लगाया, 50 रन बनाए पावर प्ले के लास्ट ओवर में, तो उन्होंने 3 छक्के लगाए थे स्पिनर को, भाई साहब मजा आ गया उनकी बैटिंग देख के। लेकिन भाई अगर ऋषभ पंत ओपन करने आते तो ये शिवम दुबे को मिलेगा मौका या फिर विराट कोहली ओपन करने आएंगे? ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि भाई साहब मतलब कि इस T20 वर्ल्ड कप से पहले सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई संजू सैमसन नहीं, मतलब कि वो क्या यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ही करेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के लिए ओपनिंग। लेकिन भाई इस वार्म मैच के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई कौन करेगा क्योंकि भाई साहब मतलब कि जो इंडिया ने करा है, मतलब कि हाँ ये हो सकता है कि मतलब अगर कि संजू सैमसन ओपनिंग करें तो भाई साहब विराट कोहली नंबर 3 पे आएंगे, उसके बाद में ऋषभ पंत और फिर वो साइड चीजें। लेकिन अगर संजू सैमसन भी नहीं, अगर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ओपनिंग करते तो भाई शिवम दुबे की जगह बन सकती है, फिर बन जा सकती है प्लेइंग 11 में जगह, युवी चहल की कुलचा एक साथ में खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन भाई सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि मतलब कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपनिंग करें क्योंकि भाई मतलब कि फर्स्ट मैच में वो रेस्ट पे थे इसलिए मतलब कि विराट कोहली हमें देखने को नहीं मिले, या फिर तो ऋषभ पंत हो सकते हैं या फिर संजू सैमसन। भाई तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कि कौन करने वाला इस वर्ल्ड कप में? 5 तारीख को जो आयरलैंड के सामने मुकाबला है इंडिया का, उसमें कौन करेगा ओपनिंग रोहित शर्मा के साथ में, और क्या होगी प्लेइंग 11 और क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कमेंट करके बताओ। और क्या यशस्वी जायसवाल को 5 तारीख को खेलने का मौका मिलेगा या फिर संजू सैमसन के साथ में जाती है या फिर ऋषभ पंत के साथ में? वो सारे सवाल के उत्तर आपको देने कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चीयर्स।